हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम टू माय चैनल टेक्नो वर्ल्ड बाय धीरे। दोस्तों आज मैं i3 10th जनरेशन से एक कंप्यूटर बनाने वाला हूं। देख सकते हैं गेमिंग कंप्यूटर है, RGB लाइट्स के साथ एक कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं और ये RGB लाइट्स वाली है, काफ़ी अच्छी कैबिनेट है। और साथ में आप देख सकते हैं जो i3 10th जनरेशन में मैं इसमें यूज़ करूंगा वो विदाउट ग्राफिक्स है, तो इसमें मैं 2GB का NVIDIA का 710 ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। साथ में आप देख सकते हैं मैं MSI का बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा बोर्ड है और ये 410M Pro VH के नाम से आता है और ये काफ़ी अच्छा हायर एंड बोर्ड है। इसमें आप अच्छे ग्राफिक कार्ड्स भी हायर एंड आराम से इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं मैं गेमिंग कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लॉजिटेक का G213। और साथ में आप देख सकते हैं मैं एक माउस भी यूज़ कर रहा हूँ जो लॉजिटेक का है G102। तो काफ़ी अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है जिससे हम पूरा कंप्लीट कंप्यूटर बनाएंगे, एक तरह से आप इसे गेमिंग कंप्यूटर कह सकते हैं। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं मैं 240GB की इसमें SSD यूज़ कर रहा हूँ फास्ट करने के लिए कंप्यूटर को, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग के चक्कर में मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें नॉर्मल NVMe और M.2 दोनों SSD सपोर्ट करता है, आप इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए इससे कंप्लीट एक कंप्यूटर बनाएंगे। अगर आप इन सबको बाय करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियोस लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए इन सब की असेंबल करते हैं कंप्यूटर और एक गेमिंग कंप्यूटर बनाने की कोशिश करते हैं और इसको कंप्लीट बनाते हैं। दोस्तों ये है हमारी जेब्रोनिक्स की कैबिनेट, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक में आती है। यहाँ पर RGB लाइट्स जलेंगी, ऊपर से इस तरह से आती है, ऑन ऑफ स्विच आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ये ऑन ऑफ का स्विच है, ये रीसेट का स्विच है और दो USB 2.0 आते हैं और USB 3.0 का एक जैक है, 3.55 जैक भी आते हैं। तो सारे ऑप्शंस दे रखे हैं और हार्ड डिस्क की लाइट तो ये रिमूव कर सकते हैं। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आता है तो आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से और इसको ऐसे भी रख सकते हैं। बाकी आप इधर से इसको देख सकते हैं, कैबिनेट को मैं खोल देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी ग्लास बॉडी आती है, तो इसको आराम से आप खोलें और इसको आराम से एक जगह पर रख लें। तो दोस्तों देख सकते हैं इनसाइड लुक कैसा है, साथ में केबल्स आती हैं अटैच करने के लिए और आप देख सकते हैं एक फ़ैन है जो आपका RGB लाइट्स वाला है और नीचे भी इसमें दोस्तों RGB लाइट्स आती हैं। तो पहले दूसरी तरफ से भी खोल लेते हैं, तो इस तरफ सारी केबल्स लगी हुई हैं और सब ऑप्शंस दे रखे हैं आप देख सकते हैं इस तरफ से। तो पहले हम इन्हें खोल लेते हैं सबको। दोस्तों सबसे पहले ये बैक प्लेट लगा लेते हैं और ये हमारा मदरबोर्ड है जिसको हमें इंस्टॉल करना है और मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले इसमें। चलिए फटाफट से स्क्रू कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसमें मैराथन की 500W पीक SMPS यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ट्रू 500W है और ये आपको प्राइस मिल जाएगी 2000 के आसपास। काफ़ी बड़ा फ़ैन लगा हुआ है कूलिंग के लिए और ऑन ऑफ का स्विच है, पीछे से इस तरह से आती है और इस तरह से लुक है। कार्ड लगाते हैं जैसे कि 1050 या 16650 ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा पावर देनी होती है, तो उसके पॉइंट्स भी इसमें आते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको सेट करते हैं और केबलिंग को बांधने के लिए थोड़े से ये दिए हुए और नट भी हैं इसके साथ। दोस्तों आप गेमिंग कंप्यूटर जब बनाएं कोशिश करें जितनी वायर्स कम से कम दिखाई दें उतना नीट एंड क्लीन अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ग्लास है तो उस वजह से वायर्स आपकी दिखाई देंगी। तो कोशिश करिए जितनी कम से कम दिखे और ये नीट एंड क्लीन दिखे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगेगा आपको। और वायर्स को कोशिश करें बैक साइड में सेट करने के लिए, क्योंकि लंबी वायर्स होती हैं तो आप उनको ऐसे टैग्स आते हैं बांध सकते हैं और कैबिनेट के साथ भी टैग आया हुआ तो लास्ट में जब हम बच जाएंगे उनको हम इसके साथ बांध देंगे। दोस्तों हार्ड डिस्क को लगाने के लिए इसमें इस तरह से प्लेट आती है, आपको इस तरह से फिक्स करना है इसके अंदर और बाद में इसको इस तरह से यहाँ पर आराम से ऐसे करके फिट कर देना है। दोस्तों मैं इसमें क्रूशल की SSD यूज़ कर रहा हूँ, 240GB है, आप देख सकते हैं मैं इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो इस मदरबोर्ड में M.2 का स्लॉट है, इसमें मैं NVMe और M.2 दोनों ही सपोर्ट करता है ये बोर्ड, तो मैं लगा सकता था लेकिन थोड़ी सी वो एक्सपेंसिव पड़ रही थी और ये मुझे सस्ती पड़ी, तो अगर आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं एज अपने बजट के ऊपर, उससे थोड़ा और फास्ट चलेगा। यहाँ पर इस तरह से लगा दूंगा इसे। दोस्तों जितने भी ये वायर्स हैं आप इनको टैग कर सकते हैं जैसे मैं टैग कर रहा हूँ।
तो दोस्तों अब इसको बंद करते हैं हम। ये हमारा इसका कवर है इस तरफ का, इस तरफ हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। चलिए इसे एक बार इसमें ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं। दोस्तों आप इसमें हायर एंड ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं, फिलहाल मैं इसमें ये 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगा रहा हूँ एनवीडिया का। दोस्तों हर आदमी का अपना अपना बजट होता है, तो मुझसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप 2 GB का ग्राफिक कार्ड नहीं लगा क्यों लगा रहे हैं, ये गेमिंग कार्ड थोड़ी है, इसमें गेम नहीं खेले जा सकते। अगर आप 710 को एनवीडिया चिपसेट को 2 GB कार्ड को आप नेट पर अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे गेम्स जो गेमर्स हैं वो भी खेलते हैं। मैं फिर भी आप सबको यही कहता हूँ कि ये एक एंट्री लेवल गेमिंग कार्ड है जो मार्केट में भी अवेलेबल है। ख़रीदने को तो आप 25,000 का भी खरीद सकते हो, 40,000 का भी ले सकते हो, नो डाउट, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। अगर आपका बजट 20-30,000 पे 40,000 का है तो आप उसमें 50,000 रुपये का खाली कार्ड थोड़ी लगा सकते हो। 30-40,000 का मान लो ये कंप्यूटर पड़ गया, उसके बाद अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहें तो इन फ्यूचर ही अपग्रेडेबल तो है ना। तो ये हमारा एक रेडी हो गया है, एक एंट्री लेवल गेमिंग कंप्यूटर विद गेमिंग कैबिनेट के साथ। दोस्तों मैंने पूरा डेस्कटॉप इंस्टॉल कर दिया, आप देख सकते हैं इसमें ये स्टिकर है, इसको हम उतार लेते हैं। ये और डेसिंग लगेगा, अब आपको नीचे की लुक बहुत बढ़िया लग रही होगी। जेबरोनिक्स लिखा हुआ है और शायद यहाँ पर किंग लिखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। ग्लास लगा हुआ है यहाँ पर और उस पर लाइटिंग दे रखी है, तो काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव लुक लग रही है। दोस्तों फ्रंट से भी इसमें RGB लाइट्स हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक लग रही है। अब आप इस तरफ देखें तो इस तरफ जो फ़ैन लगा हुआ है उसकी लाइट्स भी काफ़ी अच्छी आ रही हैं, और इधर RGB लाइट्स काफ़ी अच्छी बढ़िया लग रही हैं। जो 240 GB मैंने लगाई थी वो मैंने SSD यूज़ कर रहा हूँ, ये SSD यूज़ कर रहा हूँ। साथ में मैंने 1 TB की हार्ड डिस्क लगाई थी, तो मैंने उसको दो में डिवाइड कर दिए, 500-500 GB के दो पार्टीशंस कर दिए। मैंने 8 GB की रैम यूज़ करी, i3 का 10th generation 3.7 GHz पे यूज़ किया है, और मैंने इसमें बिल्कुल लेटेस्ट विंडोज़ डाली है, 2.1H1 जो बिल्कुल लेटेस्ट आया विंडोज़ का, मैंने उसको इंस्टॉल किया है। तो ये तो मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा दी, चलिए डिवाइस मैनेजर पे चलते हैं। डिवाइस मैनेजर पे आप देख सकते हैं इसमें जो ग्राफिक कार्ड है मैंने 2 GB का यूज़ किया था, तो GT710 है जो मैंने इसमें ग्राफिक कार्ड यूज़ किया था। और आप देख सकते हैं इसमें अब हमने जो मॉनिटर यूज़ किया था वो हमने डेल का यूज़ किया है, और इसकी मैंने सेपरेट अनबॉक्सिंग कर रखी है, तो आप चाहें तो इसको जाके देख सकते हैं। और इस कीबोर्ड और इस माउस की भी मैंने सेपरेट अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं लॉजिटेक का कीबोर्ड माउस है, और ये भी इसका सॉफ्टवेयर होता है, और आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू इसमें आप इसकी लाइट्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये लॉजिटेक का बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर है, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद इसकी DPI और इसकी परफॉर्मेंस और चेंजेस कर सकते हैं कीबोर्ड में और सब कुछ। इसकी डिटेल रिव्यू देखनी है तो आप जाके मेरे चैनल पे इन दोनों कीबोर्ड माउस की मैंने अनबॉक्सिंग सेपरेट कर रखी है, तो वहाँ जाके आप इसकी डिटेल रिव्यू देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस ग्लास को प्रॉपर फिट कर दिया था, और इसके ऊपर एक लेमिनेशन किया हुआ है जो हल्का सा ब्लैकिश कर रहा है, प्लास्टिक की इस तरह की शीट लगी हुई है, तो जैसे आप इसे उतारेंगे तो ये पूरा वाइट कलर का ग्लास हो जाएगा और ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा हो जाएगी। तो एज़ यू विश, जैसा आप चाहें इसको रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं और वैसे भी रख सकते हैं। गेमिंग कंप्यूटर बना दिया, आप देख सकते हैं हमने गेमिंग कैबिनेट यूज़ करी थी, काफ़ी अट्रैक्टिव गेमिंग कैबिनेट है, जेबरोनिक्स की आती है। मैं नीचे सब पार्ट्स के डिटेल्स दे दूंगा, आप वहाँ जाके उसे बाय कर सकते हैं या उसके बारे में और डिटेल देखना चाहें तो देख सकते हैं। i3 10th generation 8 GB रैम हमने यूज़ की, 1 TB की हार्ड डिस्क और 240 GB की क्रूशल की हमने SSD यूज़ करी। परफॉर्मेंस हमें अच्छी मिल रही थी इस कंप्यूटर से, इन फ्यूचर आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो एक बजट ओरिएंटेड मैंने कंप्यूटर बनाने की कोशिश करी है, इसमें गेम कार्ड आप बड़े अगर लगा लेंगे तो अच्छा गेमिंग कंप्यूटर बन जाएगा, हैवी ड्यूटी गेमिंग कंप्यूटर आप इसे बना सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू इस कंप्यूटर का। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए डिफरेंट कंप्यूटर और लैपटॉप्स और डेस्कटॉप की अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए दोस्तों, फिर मिलेंगे।